बेलीपार बाजार में स्थित शुक्रवार की सुबह एक कपड़े बर्तन की दुकान में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार एवं स्थानीय लोगों ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस दौरान घटना की सूचना पाकर बेलीपार पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें, थाना क्षेत्र के बिस्टौली खुर्द निवासी मदन मोहन मोदनवाल एवं उनके परिवार के कपड़े एवं बर्तन की बरसों पुरानी दुकान है। शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही देर में दुकान के अंदर से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगी। स्थानीय लोगों और परिजनों के अथक प्रयास से घंटों बाद आग पर काबू पाया गया, किंतु इस दौरान दुकान के अंदर रखा कपड़ा, रुई, बर्तन, अलमारी, इन्वर्टर, बैटरी, काउंटर, कपड़ा समेत करीब 5 लाख रुपए मूल्य का सामान जलकर खाक हो गया। Ah,